अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और पाकिस्तान इन मुश्किलात से किस तरह निकलेगा, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सब अपना अपना मशवरा दे रहे हैं। तो मेरे जहन में भी एक आइडिया है, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों मेरे जहन में यह आइडिया है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक हमारा साथ देंगे और हमारा कर्ज़ा उतर जाएगा, तो दोस्त ममालिक से हम किस तरह का साथ लें। हम तकरीबन 70-80 सालों से दोस्त ममालिक से भीख लेते हुए आ रहे हैं। हम जाते हैं उनके जूते पॉलिश करते हैं, वो हमें हमारी दिहाड़ी दे देते हैं, तो अब ऐसा कब तक चलेगा? अब वो लोग कह रहे हैं भाई आप हमारे जूते साफ़ ना करें बल्कि आप कोई और काम ढूंढ लें और उससे आप अपना गुजर बसर करें। ठीक है, जो लोग ख़बरों से बाखबर रहते हैं वो लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें चाहिए कि हम बोले भाई हमारे आप 20 लाख अफराद सऊदी अरब में बुलाएँ जिसका टिकट का ख़र्चा पाकिस्तान की गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी और बाकी जो है ना सारा सिस्टम आप चलाएं, 20 लाख अफराद आप मज़ीद सऊदीया बुलाएं। इसी तरह से दोस्तों हमें हम बोलते हैं कि दुबई हमारा अच्छा दोस्त है तो 20 लाख अफराद हम दुबई भेजें। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमें काम करना पड़ेगा। हम जहाँ भीख लेने के लिए पाँव पकड़ते हैं हम रोज़गार के लिए भी पाँव पकड़ें जाकर। हम कहते हैं चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना के पास भी आप 20 लाख अफराद का कोटा मुख्तस करवाएं, जाएं उनके पैर पकड़ें बोले 20 लाख अफराद बुलाओ। इसी तरह अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, 20 लाख अफराद आप अमेरिका भेज दें, 20 लाख अफराद आप कतर भेज दें, 20 लाख अफराद आप UK भेज दें, 20 लाख अफराद आप जापान भेज दें, 20 लाख अफराद आप कैनेडा भेज दें। ठीक है, कम से कम 2-2.5 करोड़ अफराद आप नौजवान लड़के लड़कियां टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर इस मुल्क से निकालें। आप भीख मांगने पर जोर ना दें बल्कि आप इन लोगों को बैरून मुल्क रोज़गार दिलाने पर जोर दें। जब ये 1-2 करोड़ लोग बाहर चले जाएंगे तो ये पैसा कमाकर जाहिर है पाकिस्तान में ही भेजेंगे, रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, दिरहम और दीनार की सूरत में, तो इससे हमारी मईशत तरक्की करेगी। दोस्तों ये एक बहुत सॉलिड हल है और देर पा हल है, इससे हमें रोज़गार भी मिल जाएगा और डॉलर भी यहाँ पर आएंगे, मुल्क भी हमारा ऊपर जाएगा। अगर अभी 20 लाख अफराद गए हैं, जब आप खुद सोचें 2 करोड़ जाएंगे तो कितना सारा ज़र मुबादला आएगा। इस पर हमें थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब जो हमारे लीडर हैं कुर्सी कुर्सी खेलना है, इन्हें चाहिए ये जाए और कुर्सी कुर्सी खेलने की बजाय ये रोज़गार लेकर आए, ये भीख नहीं लेके जाए। भीख नहीं चाहिए हमें, हमें सूद का पैसा नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। अगर ये रोज़गार लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान को बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अब अगर आपको लगता है मेरी बात ठीक है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हाँ भाई तसव्वुर भाई आप सही कह रहे हैं और मेरी बात गलत है, आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो आप मेरे साथ शेयर करें, उस पर वीडियो बना लेंगे। अच्छा, अगर वाकई लग रहा है आपको वीडियो में दम है, बात में वज़न है, दोस्त दोस्त के काम आता है ना, हम तो बोलते हैं जो दूसरे दोस्त हैं हम उनके काम आ रहे हैं, जंगों में हम बंदे भेज रहे हैं, यहाँ से फौजी हमारे जा रहे हैं, तो इसकी हमें जो रिवार्ड है ना, रिवार्ड की सूरत में हमें रोज़गार दिया जाए। अज़रबैजान आप 20 लाख अफराद भेजो, अज़रबैजान की हमने मदद करी, हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठेंगा मिला। तो हमें क्या चाहिए? रोज़गार। अज़रबैजान भी 20 लाख अफराद भेज दो आप। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप नए नए आइडियाज़ देखें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।